श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। या है सब बात वो सही करे वाला है। हाँ इला ठीक है मारे लाइक जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये ले लो सब लोग, सब सब काफी के साथ पूरा था पोटा ले चला है। हे हो गया ना पढ़ा है। हम लोग का सब करेंगे कि आप लोग गलत रास्ते से सही रास्ते पे आ गए हो। जो पीपल का पेड़ था वहाँ मेड़ पे पीपल का पेड़ था, उसकी मूर्ति जो शंकर भगवान की थी वो हटा दिए आप लोग। अपने से ले जाके आप लोग उसको बढ़िया पूजा स्थापित करवाते हैं, स्थापित कर देंगे तो हम मान लेंगे कि आप लोग सही रास्ते पे आ गए। मूर्ति हम देंगे, मूर्ति हम हटी नहीं है, जो आप कह रहे हैं हटी है वहाँ पे नहीं है। जो चौतरा बना है ना उसके नीचे, क्या भैया यही तो वो जो पहले वाली मूर्ति थी उसके नीचे कौन दबा दिया उसको? जो चौथा बना बात दबाया तो वही लोग दबाएंगे ना उसको। छोटा सा खोली तो बात है, तब तो कहीं दबाया तब ना। हिंदू नहीं दबाएगा ये बात 100% है। जो हिंदू होगा मूर्ति नहीं दबाएगा किसी भी सूरत में। आपके दादा जी का क्या नाम था? हेलो कल हमारे गांव में धर्म परिवर्तन के कुछ लोग जो कि देवसर चितरंगी सीधी अमीरिया से आए थे, हमारे यहाँ विगत कई वर्षों से एक टारगेट हमारे यहाँ एक क्या कहते हैं हरिजन बस्ती है साकेत गांव के हैं हमारे, इनको बार बार टारगेट किया जा रहा है एक धर्म को लेकर कि अपना धर्म बदल के तुम ईसाई वाला धर्म क्रिश्चियन धर्म अपनाओ। प्रलोभन देते हैं कि 10,000, 15,000, 20,000 तुम्हारी बच्ची की शादी बोर करवा देंगे, गाड़ी दे देंगे, घर बनवा देंगे। ये प्रलोभन देकर उन आदिवासी भाइयों को बरगला कर और धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ये लगभग आज 5-6 साल से धर्म परिवर्तन कराया जाता है, हम लोग को जानकारी नहीं थी। अब जानकारी हुई कल हम लोगों को, जो लगभग 2-3 दिन से कार्यक्रम चल रहा था, गांव वाले कुछ बताए कि ऐसी सी बात है, तो हम लोग लगभग सैकड़ों की तादाद में पूरा गांव गया और उनसे सब पूछ जान किया, तो ये पता चला कि ये धर्म परिवर्तन वाले हैं और ये इसी प्रकार से कई गांव में जाकर धर्म परिवर्तन कराते हैं। थाना बहरी में जो सूचना प्राप्त हुई थी, सूचना प्राप्त होने पर कि जो नक्सल गांव है उसमें जो ग्रामीण जनों ने शिकायत दर्ज किया है कि वहां पर जो है धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, लोगों को बहकाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस के द्वारा सूचना की तस्दीक की गई है। तस्दीक करने के पश्चात जो जानकारी प्राप्त हुई, जानकारी प्राप्त के अनुसार इसमें अपराध जो है वो पंजीबद्ध किया गया और पंजीबद्ध करने के साथ साथ इसमें जो है जो कुछ लोगों को उसे पूछताछ भी जारी है। इसके अलावा अन्य ग्रामीण जनों से भी पूछताछ जारी है। जी तो इसमें कितने लोग यहाँ पर पकड़े गए पुलिस के द्वारा? जैसा कि इसमें है कि 3 से 4 लोगों अभी जो है इसमें उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा हम ग्रामीण अन्य जनों से भी, और हम बात करें सीधी जिले के कोकस के, कि आपस में किस किस लोगों से बातचीत हो रही है और ग्रामीण जन कहाँ कहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ, उन सभी से पूछताछ इसमें कर रहे हैं। जिस प्रकार के साक्ष्य इसमें आएंगे उस प्रकार साक्ष्य के अनुसार जो है विधि अनुरूप इसमें जो है कार्रवाई की जाएगी।